अनूप जी स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे आज? हम पिछले 5 साल से एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम है रहमतें। इस रहमतें प्रोग्राम का जो पूरा काम है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हमारे सौरभ दफ्तरी जी करते हैं। सौरभ दफ्तरी जी की ऑर्गेनाइजेशन है और कोशिश ये होती है कि संगीत जगत के कुछ ऐसे लोग जो जब काम करना करीब करीब बंद कर देते हैं तो उनको आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तब वो परफॉर्म नहीं करते हैं, रिकॉर्डिंग्स नहीं करते हैं, कॉन्सर्ट्स नहीं करते। तो ऐसे समय पर हम रहमतें कॉन्सर्ट करके उन लोगों की मदद करते हैं। उसमें पोइट्स भी हो सकते हैं, उसमें सिंगर्स भी हो सकते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी हो सकते हैं, सारी म्यूजिक फ्रेटर्निटी है ना, पूरी म्यूजिक के लोग जो हैं, जो भी म्यूजिक से जुड़े हुए हैं कहीं पर भी, लिखाई हो, गायकी हो या बजाना हो, साथ। कितने सिंगर जुड़े हैं सर इसमें मुहिम में जो ये है? देखिए, इसमें 5 साल में कई आर्टिस्ट आए हैं, जिसे मैं तो 5 साल रहा हूँ। मुझे कोई काम नहीं इसलिए मैं 5 साल हूँ। अब इसमें चेंज होते रहते हैं, जैसे इस साल हमारे पास अंकित तिवारी जुड़े हैं, शान जुड़ गए हैं, हरिहरन भी 4-5 साल वो भी साथ रहे हैं, और सात आठ आर्टिस्ट पिछले साल तो कौन कौन थे? बाबुल था, जावेद अली था, अंकित, शान, सुरेश वाड़कर जी थे, सुरेश भी, इसके पहले हरी जी थे। एक्चुअली सभी आते हैं, हम सबको कहते हैं और सब तैयार हो जाते हैं, फिर अपनी अपनी डेट्स की सहूलियत से सब लोग इसमें साथ देते हैं। कितनी हेल्प कर चुके हैं सर अभी तक कोई ऐसा? पहले साल में जो है हमने करीबन 7 लाख रुपए की हेल्प की थी। किसके? दूसरे साल, सॉरी, किसके? कौन? इसमें हमने खयाम साहब को पैसा दिया था, फिर राजेंद्र नीना मेहता करके गजल के जो ड्यूओ होते थे तो उनको हमने पैसा दिया था, तो पहले साल इनको हमने दिया था। दूसरे साल में हमने 40 मेडिक्लेम की फैसिलिटी दी थी, काफ़ी अलग अलग मुख्तलिफ आर्टिस्टों को दी थी हमने। तीसरे साल में हमने 17 लाख कैश दिया था और अबाउट 21 से 22 मेडिक्लेम दी थी, 21 मेडिक्लेम दी थी। इस साल हम लोग 20 लाख कैश देंगे और मेडिक्लेम भी देंगे। ये सिंगर क्या टोटल फ्री आपके लिए करते हैं सभी है कि ये चार्ज करते हैं आपसे? नहीं, मेरे लिए फ्री करते हैं पूरा। सर ये आइडिया किसका था, अगर ये इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा बताएं आपकी, किसने सबसे पहले ये आपको आइडिया दिया था या फिर कैसे ये एग्जीक्यूट हुआ? जुड़ते जाएं कि आइडिया तो ऐसे हुआ कि एक बार बिस्मिल्ला खान साहब का मैंने इंटरव्यू पढ़ा था पेपर में, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आप मुझे भारत रत्न मत दीजिए, उनको भारत रत्न से नवाजा गया था, उसकी जगह मुझे पैसा दे दीजिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। वो पढ़ने के बाद मैंने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सबके लिए करती है, आर्मी को ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग जाते हैं, ब्लाइंड को ज़रूरत पड़ती है तो ये लोग जाते हैं, हर जगह म्यूजिक के लोग जो हैं जाते हैं वहाँ और फंड रेजिंग करते हैं, लेकिन उनकी खुद की फ्रेटर्निटी के लिए कुछ नहीं होता। सर आज माहौल कुछ अलग है, केरल में काफ़ी तबाही मची हुई है, हर चाहे सिंगर हो, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हर कोई पैसा जुटा रहा है। बिल्कुल सर, तो उसके लिए आज क्या ये जो रात को सर उनको जाएगा? नहीं सर, उसके लिए हम एक अलग से कॉन्सर्ट कर रहे हैं जिसकी प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है अभी, उसमें म्यूजिक वर्ल्ड में से काफ़ी लोग आ जाएंगे और मेरे ख्याल से हम लोग अक्टूबर 2nd या 3rd वीक में एक बहुत बड़ा शो करेंगे जो म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ से होगा फॉर द रिलीफ ऑफ केरला विक्टिम्स। सर सिंगर काफ़ी
हर कोई अनूप जलोटा जैसा नहीं होता है। सिंगर काफ़ी गरीब होते हैं, मतलब एक कला के तालियों के भूखे होते हैं और कहीं ना कहीं गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं काफ़ी सारे, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे। तो ऐसा कई आपने मतलब देखते हैं, कहीं ढूंढ के निकालते हैं, कोई ऐसा है, कोई आपको इन्फॉर्म आता है, कॉल आता है, उस पर जाते हैं आप लोग? मैं अपने हर कार्यक्रम में किसी ना किसी एक कलाकार को पेश किया करता हूँ। मेरा कहीं भी कॉन्सर्ट होता है उसमें एक नया आर्टिस्ट होता है मेरे साथ, जिसको मैं एक दो गाने गाने के लिए मंच पे मौका देता हूँ और वहाँ से उनका खेल शुरू हो जाता है, वहाँ से उनको काम मिलना शुरू हो जाता है, वहाँ लोग उनको देखते हैं, आप मीडिया के लोग उनको देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जनता को सुना देते हैं। इस तरह से कलाकारों को मैं सामने लाता हूँ, तो ये भी एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। और बाकी जो फाइनेंशियल हेल्प है वो हम लोग रहमतें जैसे प्रोग्राम करके कर रहे हैं, और केरला का जो आपने जिक्र किया वो भी हम कर रहे हैं, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो अपना काम करने के साथ साथ हमारा ध्यान इन कामों में भी रहता है। और सर ज़्यादा से क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं आप लोग ध्यान रखा करिए, सब लोग उसमें आके मदद किया करिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप डायरेक्ट जो है किसी को मदद नहीं कर पाते हैं, किसको दिया जाए, किस आर्टिस्ट को दिया जाए। अगर हमको आप लोग देते हैं तो हम एक सही जगह वो पैसा पहुंचा सकते हैं। यही काम हम 5 साल से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, आप सबका सहयोग चाहिए। अरे मेरे बूम देना, बूम मेरे स्वागत है आपका। सर क्या कहना चाहिए जो होने वाला है संगीतम चैरिटेबल के बारे में अगर बात करें? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक और शुभकामनाएं ईद के अवसर पर। और संगीतम ये जो रहमते ये 5वां सीजन है, सर भाई बहुत ही सक्सेसफुली इस कॉन्सर्ट को साल दर साल करते आए हैं, और आई थिंक आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट ट्वाइस ऑलरेडी एंड दिस इज़ द थर्ड टाइम, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ रहमते 5। संगीतम ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट्स अ वंडरफुल चैरिटेबल कॉज के लिए वो करते हैं, और सबसे हमें खुशी की बात ये होती है कि कई बार हम लोग काफ़ी चैरिटेबल शो से जुड़े होते हैं और देखते हैं कि हमारे ही फ्रेटर्निटी या फिर जो ये म्यूज़िकल कॉम है उन्हीं में कितने सारे हमारे बहन भाई हैं जो हु आर गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी टफ फाइनेंशियल एंड पर्सनल टाइम इन देयर लाइव्स। सिर्फ मनी इज़ नॉट द ओनली थिंग, सर्टन रिस्पेक्ट सर्टन लोगों उन्हें याद करें कि इनकी ये कॉन्ट्रीब्यूशन थी, ये जब होता है ना वो भी उनको एक नया एक फ्यूल देती है, एक ईंधन देती है कि और हमें जीना है, और यू नो एक डिग्निटी मिलता है उससे। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मुझे बुलावा आता है, हर बार तो अनूप जी की तरह हर बार तो मैं नहीं आ पाऊंगा, आ पाता हूं, लेकिन जब भी आता है नो नो सपोर्ट है आपका। नहीं नहीं, मैं तो आई एम रेडी टू कम एवरी ईयर, बट इनविटेशन जब आएगा तभी आऊंगा ना मैं। तो इस बार आई फेल दैट आई कुड कम बैक एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। कितने नंबर कौन से गाने रहेंगे, किस तरह के, पुराने या नए? रहमते का जो कॉन्सेप्ट है इट्स अ म्यूजिकल ट्रिब्यूट, तो अब तक ज़्यादातर हम एक ट्रिब्यूट स्टाइल ही रखे हैं, क्योंकि अगर आप जो अपने गाने जो हर शो में करते हैं वही चीज़ आप यहाँ भी करोगे तो फिर यहाँ के लिए आपने अलग क्या किया? ये जो हम रिहर्स कर रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं ताकि हम कुछ अलग, कुछ अनूठा, कुछ नया ऑडियंस को दे पाएँ, और हमारे लिए भी एक बहुत एक सुनहरा मौका होता है कि हम कुछ अलग कर पाएँ, वरना हमारे शोज़ में वही गाने गाते आ रहे थे। तो मैंने इस बार सोचा है कि चूँकि म्यूज़िकल ट्रिब्यूट है तो एक ऐसे म्यूज़िकल इंसान को मैं ट्रिब्यूट दूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरे पिताजी, और उनके बारे में शायद लोग इतना नहीं जानते, लेकिन उनके उनकी उनकी जो कला थी, उनकी कला के प्रति जो उनकी जो एक निष्ठा थी, जो एक इंटेग्रिटी थी, वो वाकई कमाल की थी। और जब मैं इंडस्ट्री में आया और लोगों से मिला, आई रियलाइज हीज़ वर्थ इवन मोर। तो लेकिन कभी मुझे हिम्मत नहीं हुई कि उनके बारे में कुछ कहूँ या उनके गाने गाऊँ, यही सोचता था कि एक कमर्शियल एनवायरनमेंट में ये पर्सनल बातें कौन सुनना चाहेगा, कौन देखना चाहेगा। लेकिन सौरभ भाई ने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छा आइडिया है और आप करो, और पिताजी के साथ जो शायर जो लोग जुड़े थे, निदा फाजली साहब, योगेश जी, तो उनको भी ट्रिब्यूट देते हुए कुछ उनके भी गाने, सलिलदा के पिताजी असिस्टेंट थे तो सलील चौधरी जी के गाने, कल्याण जी भाई, अनजी भाई के भी वो असिस्टेंट थे,
तो उनके कुछ गाने, तो उस तरह से एक माहौल बनाकर कुछ गाने बनेंगे, तो नए पुराने सारी चीजें होंगी, साथ साथ लोग कहेंगे भी शाना है तो अपने एक आध गाने तो होने चाहिए, तो एक आध अपना गाना भी करेंगे। सर बिस्मिल्लाह जी से शुरुआत हुई थी इसकी, क्योंकि काफी माली हालत में बताया कि मुझे अवार्ड नहीं मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। कितने ऐसे सिंगर हैं जो गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, इलाज के लिए नहीं है। अभी हाल ही में एक रियलिटी शो, हम उसका नाम लेना नहीं चाहेंगे, उसमें एक काफी पुराने सिंगर को जब देखा रोड पे भीख मांग रहा है या बहुत बदहाली आ रही है, उसको शो में लेकर आए, अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। हाँ, हम यही चाहेंगे कि हम जिन्हें भी ये रकम कहें या ये इज्जत कहें, ये इज्जत तब कम हो जाती है जब आप उनकी बदहाली दिखाते हैं, तो हम वो नहीं चाहेंगे करना। वी विल बी वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी सटल अबाउट इट, क्योंकि कोई ये कहे कि मेरी ये हालत है, वो हालत आप दिखाएं, दर्शाएं और फिर उनको आप करें, आई पर्सनली डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ आई वुड, अगर मैं खुदा ना खास्ता कोई किसी वजह से मैं फाइनेंशली या किसी तकलीफ में हूँ, मैं चाहूँगा कि जो भी है मेरी डिग्निटी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बजाय रखते हुए अगर कोई मुझे हेल्प करे, आई विल एक्सेप्ट दैट। सो एन आर्टिस्ट इज़ एन आर्टिस्ट अंटिल हिज आर्टिस्ट्री इज़ गिवन रिस्पेक्ट, एंड दैट इज़ द वन थिंग दैट रहमते डज। देर इज़ नो पॉइंट ऑफ ट्राइंग टू फ्लैश देयर स्टेट, अभी क्या हालत में है देखिए, लेकिन हम मदद कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। That is not the way it should be done. खुददारी को ऐसे इंटरेक्ट करें। सर इसके हट के अगर बात करें तो केरल में जो तबाही मची है उसके लिए भी क्या कोई आगे, तो आप लेकिन क्यों कह रहे हैं? लेकिन मतलब आप हमसे, हम आपसे, हमारे हमसे मत नहीं रखते हैं, लेकिन इसके अलावा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो फंड है, देखिए 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 बहुत सिंपल बात है सर, ये एकमात्र फंड तो नहीं है या एकमात्र चैरिटेबल, इसकी एक आइडियोलॉजी है और इसकी एक सोच है। हर साल हर बार ये टेरिबल नेचुरल कलेमिटीज़ हो रही हैं, इंडिविजुअली हम सब उससे यू नो वी आर देयर कंट्रीब्यूटिंग टू द चीफ मिनिस्टर्स फंड, और पूरी मतलब पूरा जो देश है वो केरल से जुड़ा हुआ है टू यू नो हेल्प देम आउट ऑफ दिस कलेमिटी। इससे पहले उत्तराखंड में हुआ था, जहाँ भी होता है आई एम श्योर, जहाँ भी इस तरह की सिचुएशंस होती है, अनूप जी इतने सालों से यू नो ही इज बीन सच अ सपोर्टिव म्यूजिशियन। सिर्फ ये है कि यहाँ एक आइडियोलॉजी एक बना हुआ है कि ये इंडस्ट्री के ही लोग इंडस्ट्री के उन स्टॉलवर्ड्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है, तो उसको वहीं तक रखें तो बेटर है। ऑन अ लाइटर नोट, कुछ भी कहीं खुश नहीं होते हैं कमाल है। हाँ, वो गाना सुना, मतलब ऐसा चेहरे पे। हाँ ठीक है चले, तू गाना ही सुना दे, बातें बहुत बड़ा करें, कमाल है। चलिए रक्षाबंधन का गाना, रक्षाबंधन का गाना, बच्चे को खुश कर दो, सुना दो। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। वाह वाह वाह।